प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई काउंटरपार्ट एंथनी एल्बनीज के साथ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने उन्हें भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट देखी है। मैंने इस मुद्दे को पीएम एल्बनीज के सामने उठाया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई उनकी प्राथमिकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 महीनों के दौरान 4 बार हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसी महीने की शुरुआत में ब्रिस्बेन में खालिस्तानी समर्थकों ने प्रमुख हिंदू मंदिर को निशाना बनाते हुए यहां तोड़फोड़ की। इससे पहले 23 जनवरी को मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क में स्थित प्रतिष्ठित इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए और वहां बनी आकृतियों को तोड़ दिया गया। वहीं 16 जनवरी को कैरम डाउन्स विक्टोरिया में ऐतिहासिक श्री विष्णु मंदिर में इसी तरह की तोड़फोड़ की गई। इसी तरह की एक घटना 12 जनवरी को मेलबर्न में हुई, जहां स्वामी नारायण मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा भारत विरोधी नारों के साथ आकृतियां बनाई गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिर में हो रही तोड़फोड़ की बार बार निंदा की और इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामने उठाया। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई काउंटरपार्ट पेनी से मुलाकात की और ऑस्ट्रेलियन सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया।